अगर इन लोगों में से एक भी सोल्जर जागी होती तो हमारी गन मार लेती। वैसे भी इंडिया वाली गन अच्छी मारती है, तुमको कैसे पता? वैसे इंडिया वालों ने चार बार हमारी मारी है ना। हम तो गोली आज भी गांड पे ही मारते हैं बहनचोद, क्योंकि सीने पे गोली खाने की तुम्हारी औकात नहीं है मादर चोदो। सर, आज गिदड़ों ने सोते हुए शेरों का शिकार किया है, अब वक्त आ गया है गिदड़ों को उनकी औकात याद दिलाने का। ओके ठीक है, तो मैं आर्मी इंटेलिजेंस की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता हूँ, देन वी विल डिसाइड। सर इन्ना लोगों ने असि प्यार नाल समझा समझा के थक चुके हैं और साढ़े सब्र दे बांध भी टूट चुके हैं, हुण कहण दा नहीं करण दा समय आ। सर मैं आर्मी चीफ से सहमत हूँ, सर ये हमारा वो नाजायज बच्चा है जिसको हम कितना भी कोशिश करें जायज बनाने की, गोद में खिलाने की, सर पे बिठाने की, पर इसने हमारे कान में ही मूतना है। काल तो पागल कुत्ते की तरह हो गए जो अपने मालिक को काट रहा है, और इस बात से अनजान है कि लाल से पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है। तो फिर आप लोग क्या चाहते हो? सर मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो शादी कराना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी लड़की नजर में हो तो बताओ सर। हाँ है मायावती, करेगा? मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं देश की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। सॉरी सर। सर सानू एक दा जवाब पत्थर नाल देना चाहिदा है। तो क्या करने का प्लान है? सर जी असि दुश्मन आनू उना दे घर विच कुछ के कुत्ते दी मौत मारेंगे, इना दी बीमारी दा इलाज सर्जिकल है, सर्जिकल स्ट्राइक। तो फिर कब करना है स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक सर आज ही। परमिशन ग्रांटेड, हमला आज रात ही होगा। हम करें तो का करें सर? हाँ शाबाश बेटा, बार बीच वाली जनता पूछ रही है कि कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, सब कह रहे हैं तुम लोग खुले में चूतिया बनाते जा रहे हो। तुम लोगों को बता रखा है ना जी क्या बोलना है, बोल दो कि मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। सर हर छोटी बड़ी चीज में मोदी जी को घुसेड़ना जरूरी है का? तो एलजी को घुसेड़ो, देखो अगर काम बड़ा है तो मोदी जी और छोटा है तो एलजी, समझा करो यार। चलो अब जाओ जी, मुझे शिवाय मूवी का रिव्यू करना है। अरविंद मूवी छोड़ो, न्यूज देखो, मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। हम नए आंकड़े दुरुस्त कीजिए मैडम। सर उरी अटैक के बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान कल रात अपना बदला ले चुका है, कल हमारे देश के वीर जवानों ने दुश्मन की धरती पे जाके उनके 10 आतंकवादी के अड्डे नष्ट कर दिए, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। यार ये आदमी मुझे कभी पीएम नहीं बनने देगा, हर बार जब भी मेरा कुछ चांस बनता है ये कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कांड कर देता है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई देख लो। अच्छा एक चीज बताओ, ये सर्जिकल स्ट्राइक की किसने है? ऑब्वियस है आर्मी ने। अगर मैं सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगू तो आर्मी प्रूफ देगी नहीं, और जनता की नजरों में ये झूठा साबित हो जाएगा और मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। वाह क्या शातिर दिमाग पाया भाई, सही चाल है, चल डालो, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मोदी जी मेरे चाहे आपसे हर मुद्दे पे मतभेद है, परंतु इस बार मैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए आपके ठीक काम में भी उंगली करूंगा। वो सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल रिपोर्टरों को ले जाके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि ना तो मुझे आर्मी की इंटेलिजेंस पे भरोसा है और ना ही मुझे देश की प्रेस्टीज की चिंता है। ये सब लोग मिले हुए हैं जी, मुझे चाहिए ओनली प्रूफ सर्जिकल स्ट्राइक का। ओके अरे ऑफिसर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, इसको प्रूफ देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2। सर जी इस आदमी ने जरा भी शर्म नहीं आई साढ़े तो उंगली उठाते हुए। सर ये तो विभीषण निकला, जिस दांत पर बैठा उसी को काट रहा है, जिस साले में खा रहा है उसी में हक रहा है। हाँ इसको उठाओ और सर्जिकल स्ट्राइक 2 पे लेके चलते हैं। सर आप बोलो क्या करना है? इसको देते हैं लाइव प्रूफ, उठाओ।
क्या? अबे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? माता रानी पाप लगाएगी तुमको। अबे मुझे छोड़ दो। अबे मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे छोड़ दो। फिर मुझे मोदी जी पे आरोप लगाना है, छोड़ दो मुझे। मुझे कोई प्रूफ रूफ नहीं चाहिए। मैं केजरुद्दीन अल हरामी बिन बेशरम पाकिस्तान आम आदमी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान की आवाम की जबान बनकर पाकिस्तान के वजीर आजम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि जब हम अनशन पर बैठते हैं तो सरकारें बदल देते हैं। वैसे इतना किसी में दम नहीं कि हमें मार सके। पर गलत देश में फंस गया केजरुद्दीन, हमने तो अपनी भुट्टो को नहीं छोड़ा, तू तो फिर भी घुसपैठी है। वैसे इतना किसी में दम नहीं कि हमें मार सके। और आप लोग इससे भी चटपटे स्पूफ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फेसबुक पर शेयर करो, कमेंट करो।